बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भरूच से भरूच गुजरात, भरूच गुजरात से सहदेव भाई अहीर ने एक प्रश्न किया है, वो जो प्रायः सभी के लिए बहुत आवश्यक है ये जानना। उन्होंने कहा है कि ये बीज मंत्र क्या है और बीज मंत्र क्या सभी मंत्रों में उपयोगी है और इसका क्या रहस्य है। इसलिए ये प्रश्न है आज का और इसको भी समझने योग्य है। पहले तो आप ये समझ लें कि बीज क्या है। बीज का मतलब ऐसा होता है अर्थात फलाधार को बीज कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा है कि निधानम बीज मव्ययम। भगवान श्री कृष्ण इस संसार के अव्यय बीज हैं। अव्यय माने कभी न नष्ट होने वाला और उसको बीज कहते हैं। संपूर्ण संसार का प्रलय हो जाने के बाद इस सारा संसार 84 लाख योनियां जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब भगवान के उदर में प्रविष्ट होकर के बीज रूप में रहता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है, संध्या में ब्राह्मण लोग कहते हैं, अहो रात्राणि विदधत विश्वस्य मिषतो वसी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। तो यथा पूर्वम जैसा था वैसा ही सूर्य और चंद्रमा ये समुद्र इत्यादि सब का निर्माण कर दिया। इसका नाम है बीज। बीज का तात्पर्य होता है जो सभी प्रकार की शक्तियों का आधार है। जैसे आप देख रहे हैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु का बीज ही है। जैसे आम का बीज है, वृक्षों का, वनस्पतियों का बीज है, धान्यों का बीज है। तो बीज का तात्पर्य क्या है? आप एक कोई बीज लीजिए और उसको जब तक नहीं बोएंगे तब तक उसमें वो ना फल दिखेगा, ना शाखा दिखेगी, ना पुष्प दिखेंगे, ना पत्र दिखेंगे, मात्र बीज दिखेगा। बीज उसे कहते हैं जिसमें पत्र, शाखा, फल, पुष्प सभी अव्यक्त रूप से विद्यमान रहे और संयोग प्राप्त होने पर वह सब कुछ प्रकट हो जाए। तो बीज हमेशा छोटा ही होता है, इसलिए पीपल का बीज इतना सा होता है, बरगद का बीज इतना सा होता है, उधुम्बर का बीज इतना सा होता है। लेकिन आप किसी का भी बीज खाएंगे तो आपको ज्ञात नहीं होगा, लेकिन एक बरगद का और पीपल का बीज आप एक मुट्ठी खा सकते हैं, जबकि एक एक बीज में कितने पीपल है, फिर एक पीपल होगा तो कितने बीज होंगे, फिर उसमें कब तक वो बीज होते रहेंगे, अनंत संख्या हो जाएगी। अर्थात आप एक बीज खा लेते हैं तो अनंत वृक्षों को खा लेते हैं, अनंत वृक्षों के बीज खा जाते हैं। तो आप में पचाने की शक्ति कितनी, क्षमता कितनी कहलाई, इसका नाम है बीज। लेकिन एक बात है, आप इतना बड़ा पीपल नहीं खा सकते, बरगद नहीं खा सकते, लेकिन आप एक मुट्ठी बीज खा सकते हैं तो करोड़ों खा सकते हैं, करोड़ों बरगद और पीपल खा गए, इसका तात्पर्य। इसी को कहते हैं बीज। बीज का अर्थ होता है फल का, पुष्प का, शाखा का, स्कंद का, जड़ का एक अव्यक्त स्वरूप। अव्यक्त स्वरूप को बीज कहते हैं। आप दुर्गा सप्तशती जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता क्लीम बीजम, रेम बीजम, ऐंग बीजम, ये बीज मंत्र है। अर्थात इन मंत्रों में भगवान श्री कृष्ण का क्लीम बीज मंत्र है।
एक कबीरदास जी ने ग्रंथ लिखा, उसका नाम बीजक है। तो कोई भी मंत्र आप पढ़ते हैं, उस मंत्र का ऋषि होता है, उस मंत्र का छंद होता है, उस मंत्र का देवता होता है, उस मंत्र का कीलक बीज मंत्र होता है, अर्थात आधार को बीज कहते हैं, और उसके बिना मंत्र नहीं पढ़ा जाता है। प्रत्येक वेद मंत्र का ऋषि छंद होता है, तो उसको जो है ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आपने ह्रीग, ये बीज मंत्र हुआ, तो ह्रीग में जो हा है, रा है, ई है, ये साक्षात प्रकृति ही है, जिसको देवी भागवत के नवम स्कंद में भगवती देवी ने अपने पिता को ह्रीग का उपदेश करते हुए कहा कि हा रा ई, ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रकृतियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला है, इसको कहते हैं बीज मंत्र। देखिए श्रीमद् भागवत के छठवें स्कंद के आठवें अध्याय में नारायण कवच है। प्रत्येक मंत्र का न्यास होता है, अंगन्यास और कर्णन्यास होता है, इसलिए उसमें देखिए हम आपको बता देते हैं। निषेध हृदय ओंकार विकार बल मूर्धनी, किसी भी मंत्र को करने के पहले विश्वरूप जी ने वृत्रासुर को मारने के लिए नारायण कवच का उपदेश इंद्र भगवान को किया। उन्होंने क्या कहा कि मंत्र और कवच ऐसे नहीं जपे जाते कि आपने सीख लिया चाहे जहां बोलने लगे। कितने लोग तो बैठे रहते हैं, वस्त्र पहनते जाते हैं और मंत्र बोलते जाते हैं, स्तोत्र स्तुति बोलते जाते हैं, ऐसा नहीं होता। इसलिए उन्होंने विश्वरूप जी ने कहा धौतांग्री पाणी राचव्य सपवित्र उदंग मुखा, अंग्री माने अपने पैर धोइए, हाथ धोइए, शुद्ध वस्त्र पहनिए, और सपवित्र आपका वस्त्र भी पवित्र हो, शरीर भी पवित्र हो, और पूर्व दिशा की ओर बैठ जाना चाहिए। और फिर आगे लिखा कृतस्वांग करण्यासो मंत्राभ्याम वाग यतः शुचि, मंत्र जप करने का ये साधन है। कृतस्वांग करण्यास, आपको अपने अपने एक एक अंग में न्यास करना चाहिए। न्यास का तात्पर्य होता है धारण करना। न्यासो रक्षो न कलचित, किसी की धरोहर नहीं रखना चाहिए। तो न्यास का अर्थ होता है धारण करना। इसलिए जब आप एक एक अंग में, हमारे यहाँ कहते हैं हृदयाय नमः, सिर से स्वाहा, सिखाए वखट, कवचाय हुक, अस्त्राय फट, तो जो जो मंत्र बोल करके आप हृदय, सिर, यहाँ से नीचे से लेकर के अर्थात अंगूठे से लेकर के और सिर तक आप मंत्र के, मंत्र को धारण करते हैं, एक एक वर्ण को धारण करते हैं, नेत्रों के लिए भी है, मुख के लिए है भी है, दोनों कानों के लिए है, बाहुओं के लिए है, हृदय के लिए है, और पूरे शरीर के लिए है। अच्छा, ये हो गया अंगन्यास। करण्यास में आप अंगूठा से लेके तर्जनी तक, मध्यमा तक और कनिष्ठिका लेकर के, और इन सभी अंगुलियों का भी होता है। फिर कहा जाता है करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इसका मतलब है कि आप जिस मंत्र का जप कर रहे हैं उसका बीज मंत्र जो होगा उसका एक ही अर्थ होगा, चाहे जिसका देख लीजिए। सृष्टि का जन्म जहां से होता है, सृष्टि की उत्पत्ति जहां से होती है, और ये सृष्टि जहां से चल रही है, और सृष्टि की समाप्ति के पश्चात ये सृष्टि जहां बीज रूप में स्थित हो जाती है, ये प्रत्येक बीज का ये अर्थ होता है। इन मंत्रों का, जिसको आप नमो भगवते वासुदेवाय कहते हैं, उस मंत्र में भी, उस मंत्र का भी बीज मंत्र है ओंकार। इसलिए उन्होंने कहा निषेध हृदय ओंकारम विकार बल मूर्धनी,
नारायण कवच में जैसे हृदय ओंकार, नारायण कवच का बीज मंत्र है ओम, जिसमें से आ ऊ म ये भी जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय को कहने वाला है। इसलिए बीज मंत्र प्रत्येक मंत्र का होता है। ऐं ह्रीं क्लीं क्लीं मंत्र जो है भगवान श्री कृष्ण का भी है, इसलिए बीज मंत्रों का जप करने के पहले अंगन्यास करन्यास और करना चाहिए। दूसरी बात, जब आप अनुष्ठान करते हैं, अच्छा आप जब भगवान नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेने के लिए क्या है, बोले भगवान का नाम ही उसका बीज मंत्र है। तो बीज का तात्पर्य यह है, अर्थात अव्यक्त स्वरूप का नाम बीज है, और उस बीज को भूमि और जल प्राप्त हो जाने पर फिर वह वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार से अनुष्ठान करता यह उसका हृदय, जो अनुष्ठान करता है वो उसका हृदय भूमि है, और उसकी जो भावना है वह उसका जल है, और वह उस भावना भूमि के अनुसार जिसका चिंतन ध्यान करता है वह उसका फल है। जैसे द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी ने कहा, त्वं भाव योग परिभावित हृत सरोज आसे श्रुते क्षिति पथो ननुनाथ पुंसम यद यद धिया तुगाय विभावयंती तत्तद बपु प्रणयसे सद अनुग्रहाय। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, आप त्व भाव योग परिभावित, आपके प्रति जो ध्यान करने वाले का भाव होता है उसको भाव योग कहते हैं, उस भाव योग से प्रभावित होकर के अभिभूत होकर के वो जिसका चिंतन करता है, तो यद यद धिया त उरुगाय विभावयंती, हे उरुगाय जिस जिस बुद्धि से वह आपकी भावना करता है तत्तद बपु प्रणय से सद अनुग्रहाय, तब आप सत्पुरुषों के अनुग्रह करने के लिए सत्पुरुषों पर आप तत्तद बपु प्रणय से आप उन शरीरों को धारण कर लेते हैं। इसका तात्पर्य यह निकला कि जो मंत्र होते हैं वो बीज मंत्र ही है, और वह बीज क्या काम करता है, जब आपके हृदय की भूमि प्राप्त होगी, भावना का जल प्राप्त होगा, तब उस मंत्र का जो भगवान नाम का भगवान होगे या देवता होगे वह अव्यक्त व्यक्त रूप से आपके सामने प्रकट हो करके आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए बीज का तात्पर्य ही है, अर्थात भगवत तत्व का अव्यक्त स्वरूप, भगवत तत्व का अव्यक्त स्वरूप। इसलिए प्रत्येक देवी देवताओं के बीज मंत्र है, और उन बीजों में ही उन भगवती का देवताओं का भगवान का अव्यक्त स्वरूप विद्यमान है। तो अव्यक्त भगवान के अव्यक्त स्वरूप को व्यक्त करने का साधन बीज मंत्र है, वो अंगन्यास करन्यास और पवित्रता पूर्वक जप करने से आपके हृदय में विराजमान जो भगवान है जो देवता है वो आपकी भावना से प्रभावित होकर के प्रकट हो जाते हैं, यही बीज मंत्र है। अर्थात भगवत तत्व को प्रकट करने वाले मंत्र को ही बीज मंत्र कहते हैं, और यही उसका रहस्य है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।